दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जंगल के अंदर अपना जीवन धारण करने के लिए जंगल के सभी जीवों को खुद ही अपने खाने का जुगाड़ करना पड़ता है। और जंगल के अंदर एक नए दिन की शुरुआत होते ही जंगल का हर एक जानवर अपना खाना तलाशने के काम पर लग जाता है। दोस्तों, हर एक जंगल के अंदर मुख्य रूप से दो तरह के जानवर देखे जाते हैं। इनमें से एक होते हैं शाकाहारी जानवर, जो मूल रूप से पेड़ पौधे घास और फल खाकर अपना जीवन धारण करते हैं, और दूसरे जीव होते हैं मांसाहारी जानवर, जो अपना पेट भरने के लिए इन शाकाहारी जानवरों का शिकार करते हैं। दोस्तों, वैसे तो शाकाहारी जानवरों के लिए जंगल के अंदर वैसे ही ढेर सारा खाना मौजूद होता है, लेकिन मांसाहारी जानवरों के लिए अपना पेट भरने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अपने शिकार को पूरा करने के लिए भी इन मांसाहारी जीवों को शिकार करने की कला सीखनी पड़ती है। दोस्तों, ये बात तो हमने आपको पहले ही बताया है कि जंगल के अंदर किसी भी नवजात शिशु की सुरक्षा और देखरेख की जिम्मेदारी ज्यादातर उसकी माँ को ही उठानी पड़ती है। और दोस्तों, किसी भी मांसाहारी जानवर को जीवन धारण करने के लिए अपने बचपन से ही शिकार करने की कला सीखनी ही पड़ती है, और ये कला भी उसे उसकी माँ ही सिखाती है। लेकिन दोस्तों, ये काम इतना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि कभी कभार शिकार करते वक्त इन मांसाहारी जानवरों को भी कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है, और ऐसे में इनकी जान भी जा सकती है। हमारे आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ये काम कितना खतरनाक और जोखिम भरा होता है। इसलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप हमारे आज की इस वीडियो को भी अंत तक जरूर देखेंगे। और दोस्तों, हम वादा करते हैं आपसे कि हमारा ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी किए हम सीधे चलते हैं हमारे आज के इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहां पर हम ये देख सकते हैं कि एक जंगल के अंदर अब एक नए दिन की शुरुआत हो रही है। जरा देखिए कि ये नजारा कितना खूबसूरत लग रहा है ना। एक तरफ जब कुछ पंछी अपने ही अंदाज में आसमान में उड़ रहे हैं, ठीक वैसे ही दूसरी तरफ हम ये भी देख सकते हैं कि जंगल का हर एक जानवर अब अपने खाने की तलाश में निकल पड़ा है। दोस्तों, अभी आप जंगल के जिस नजारे को देख रहे हैं, वो नजारा बहुत ही शांत और सुंदर नजारा है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे ये वक्त बीतता जाएगा, वैसे वैसे ही आप जंगल के उस रूप के साथ रूबरू होते जाएंगे, जो रूप बेहद ही खतरनाक और घातक है। दोस्तों, एक तरफ जब ये जानवर अपने खाने के तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक वैसे ही दूसरी तरफ अब हम ये भी देख सकते हैं कि कुछ शेरनी अपने बच्चों को लेकर अपने शिकार की तलाश में जा रही हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि ये शिकार करने की कला भी एक माँ ही अपने बच्चों को सिखाती है, और यहां पर भी ये शेरनी इन बच्चों को ये कला सिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों, इसका अंजाम क्या होने वाला है, आइए जरा पता लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अब यहां पर हम ये देख सकते हैं कि ये शेरनी अपने झुंड के साथ अपने शिकार की तलाश में निकल पड़ती है। यहां पर हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि इस झुंड के अंदर बहुत सारे बच्चे भी मौजूद हैं, और इस नजारे को देखकर हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर ये शेरनी अपने बच्चों को भी ट्रेनिंग देने के लिए ले आई है। दोस्तों, यहां पर हम ये देख सकते हैं कि इस झुंड में कुछ शेर भी शामिल हैं, और दोस्तों जरा देखिए कि ये शेर भी अपने छोटे छोटे बच्चों को कैसे कुछ जरूरी कर्तव्य सिखाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, असल में जंगल के अंदर जीवन धारण करने के लिए वहां के सभी जानवरों को ही
कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इन हालातों से निपटने के लिए ये अनुशासन सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर ये शेरनी भी अपने बच्चों को ये ही सिखाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि एक जगह पर कुछ बफेलो बहुत ही आराम से अपना खाना खा रहे हैं और इन शेरनियों की नजर भी उन बफेलों के ऊपर ही है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि उन बफेलोज के ऊपर हमला करने के लिए अब ये शेरनी कुछ योजना बनाने की कोशिश कर रही है। असल में इतने बड़े शिकार को अंजाम देने के लिए एक अच्छी योजना का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और यहाँ पर ये शेरनी अपने पूरे झुंड के साथ इसी योजना के ऊपर काम कर रही है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये शेरनी चाहे तो अभी इसी वक्त इन बफेलों के ऊपर हमला कर सकती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इन शेरनियों के साथ इनके बच्चे भी मौजूद हैं, इसलिए इन शेरनियों को बहुत ही ज्यादा सावधानी से अपना हर एक कदम उठाना पड़ रहा है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये भी देख सकते हैं कि ये शेरनी झाड़ियों के पीछे छुपते हुए उन बफेलों के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या ये काम इतना ही आसान होने वाला है? आइए जरा पता लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहां पर हम ये देख रहे हैं कि कैसे ये शेरनी चोरी छुपे उन बफेलों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों, अब उस झुंड के एक बफेलो की नजर उन शेरनियों के ऊपर पड़ जाती है और अब हम ये देख सकते हैं कि ये सभी बफेलो बहुत ही ज्यादा सतर्क हो गए हैं। दोस्तों, इन बफेलो को इस बात का अंदाजा है कि ये शेरनी बहुत ही घातक और आक्रामक किस्म के होते हैं और इनके सामने ये ज्यादा देर तक टिक भी नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये बफेलो संख्या में बहुत ही ज्यादा है, इसलिए अब ये बफेलो अपने एकता बल के ताकत से ही इस मुसीबत से निपटने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि ये बफेलो भी उन शेरनियों के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो रहे हैं और जरा देखिए कि कैसे ये बफेलो उन शेरनियों के ऊपर अचानक से ही हमला करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि ये बफेलो उन शेरनियों के ऊपर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर ये शेरनी उन बफेलों को चारों तरफ से घेरने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन दोस्तों, शायद ये बफेलो भी उन शेरनियों के द्वारा रचे गए इस योजना को अच्छी तरह से समझ गए हैं और इसलिए अब ये बफेलो इस योजना को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ये बफेलो अब छोटे छोटे ग्रुप में बांट जाते हैं और एक एक करके उन सभी शेरनियों के ऊपर हमला करने लगते हैं। उन बफेलो के द्वारा किए गए इस हमले से ये शेरनियां एकदम बौखला जाते हैं और अब इन्हें ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि इन बफेलो का सामना कैसे करें। दोस्तों, जरा देखिए कि ये बफेलो कितने आक्रामक अंदाज से उन शेरनियों के ऊपर कड़ा प्रहार करते ही जा रहे हैं। यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि कुछ बफेलो की नजर एक नन्हे से शेर के ऊपर पड़ जाती हैं और अब ये बफेलो उन नन्हे से शेर के ऊपर भी हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, उन बफेलो के डर से वो नन्हा सा शेर वहां से भागने की कोशिश तो जरूर कर रहा है, लेकिन अभी भी ये शेर इतना काबिल नहीं हुआ है कि ये इन बफेलो को मात दे सके। अपने बच्चे को यूं मुसीबत में देखकर वो मादा शेरनी कुछ देर से गुर्रा रही है, लेकिन इस वक्त वो शेरनी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती हैं और दोस्तों, थोड़ी देर बाद
अब हम ये देख सकते हैं कि उनमें से एक बफेलो उन नन्हे से शेर को अपना पैरों तले कुचल देता है। और यहाँ पर ये बात तो बिल्कुल साफ है कि वो नन्हा सा शेर अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि इस हमले को सहन कर पाना उसके बस की बात नहीं है। दोस्तों, कुछ देर के बाद अब हम ये देख सकते हैं कि ये बफेलो उस जगह को छोड़कर जाने लगे हैं, और उन बफेलो को वहां से जाता हुआ देखकर अब ये शेरनी भी धीरे धीरे अपने बच्चे की तरफ आने लगती है। और यहां पर आकर ये शेरनी देखती है कि उसके बच्चे ने अपनी जान गंवा दी है। दोस्तों, बहुत ही जल्द अब सूरज ढलने वाला है, और इस ढलते हुए सूरज के साथ ही ये शेरनी अपने बच्चे को अलविदा कह रही है। दोस्तों, यहां पर हम उस शेरनी के बाकी दो बच्चे को देख रहे हैं। जरा देखिए, एक साथ आपस में ये दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना। आज के ही दिन इन दोनों ने अपने जिंदगी को सबसे अहम ट्रेनिंग की शुरुआत की थी, और आज ही इन्होंने अपने एक भाई को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। लेकिन दोस्तों, क्या इन नन्हे नन्हे शेरों को इस बात का कोई अंदाजा भी है कि अभी अभी इनके साथ कितनी बड़ी दुर्घटना घट चुकी है? इन्होंने अपने ही एक भाई को खो दिया है। दोस्तों, इन शेरों को अगले दिन फिर से अपने लिए शिकार ढूंढने निकलना पड़ेगा। ये शेरनी अगले दिन फिर से अपने बाकी बच्चों को ट्रेनिंग देती रहेगी, क्योंकि जंगल के अंदर अगर इन्हें जीना है तो इन्हें हमेशा ही चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हर एक दिन इन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी, वरना जंगल के अंदर ये शेर कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। यहां पर जीना है तो कठिनाइयों के सामना करके उन कठिनाइयों को जीत कर ही जीना पड़ेगा, और जंगल की जीवन शैली ऐसे ही चलती है। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो को हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।